गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं छत से, इतने अच्छे पेड़ पौधों के बीच से कर रही हूँ। स्वागत है आप लोगों का। और आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि आज शाम से स्टार्ट है तो भी आज ही है मकर संक्रांति। अब तो हर चीज़ दो ही दिन का हो गया है। और अभी मैं छत पे आई थी सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा मोबाइल भी लिया, यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और जल वल चढ़ा के ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया। आप लोगों के साथ भी हो गई है सुबह सुबह मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग। तो अब जाती हूँ मैं नीचे, जल तो चढ़ा लिया मैंने पहले ही, उसके बाद ही स्टार्ट करा था ब्लॉग। सुबह सुबह बच्चे तो चले गए, पहले बच्चों को ही भेजा ना, उनका टिफिन विफिन तैयार करके वो चले गए स्कूल। आज मिस्टर जी की छुट्टी है, अब अपने लिए भी नाश्ता बना लेती हूँ मिस्टर जी के लिए भी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन दे देते हैं सुबह ही, उसके बाद हमारा ही नंबर आता है। तो मिस्टर जी भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब जाती हूँ मैं सीधे किचन में। तो गाइस, आज मैंने मंगोड़े बनाने के लिए मूंग दाल रात को भिगो दी थी और सुबह उठ के धो के और पीस के बैटर तैयार कर दिया और बच्चों को दे दिए मंगोड़े बना के आधे, और इतने को तो छोड़ के भी गए, अपने खा के भी गए। तो अब मैं बना लेती हूँ इसके फिर से मंगोड़े। गाइस, मंगोड़े बन के हो गए हैं रेडी, मिस्टर जी खा रहे हैं और मैं बना भी रही हूँ और मिस्टर जी को भी देते रह रही हूँ। इस तरह के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग भी बनाना मूंग दाल के और चने दाल गला के फिर मिक्सर में पीस के, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो गाइस, मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, मंगोड़े भी ले लेती हूँ और कल का ये आटे का हलवा बना रखा था गुड़ डाल के, आजकल सर्दी में बनाते हैं, कल मेरा उपवास था तो ये बचाई है, ये भी कर लूँगी नाश्ता में। बस बन गए हैं, लास्ट बार के हैं, फिर करती हूँ नाश्ता। गाइस, नाश्ता करके और अब ले आते हैं हम लोग दूध, क्योंकि दूध लाए नहीं है, आज सैटरडे है तो मिस्टर जी की छुट्टी है, तो हम जाएंगे आराम से दूध लेने के लिए। मिस्टर जी तो चले गए आगे, हमें दूध दूध के डिब्बे लेने में रह गई। सैटरडे के दिन तो अच्छा लगता है, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था, दूध लेके आ जा, क्योंकि इनकी छुट्टी रहती है तो आराम से घूम फिर के जो भी काम रहता है उतने सारे काम हो जाते हैं। अंकल जी ने तोड़ के मिस्टर जी भी खा रहे, मैं भी, मिस्टर जी तो वहीं बैठे, मैं इस साइड आ गई क्योंकि आंटी जी और इधर ये घोड़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ फिर जाएंगे। बस पहुँच चुके हैं घर पे दूध लेके। संडे के दिन का मेरा यही, नहीं सैटरडे के दिन का मेरा यही रूटीन रहता है कि आराम से नाश्ता पानी करके फिर चले जाओ दूध लेने।
घर में तो पूरा अंधेरा हो रखा है अभी। गाइस मैं किचन में खाना बना रही थी और आगे पार्लर में आ गए हैं कस्टमर, अब उनका काम कर लेती हूँ। खाना भी मेरा बन चुका है, सब्जी भी बना ली है और चावल वगैरह भी बना लिए हैं, तो मिस्टर जी खाएंगे खाना पीना, मैं जाती हूँ आगे पार्लर में। तो गाइस ये आई है मेरी छोटी सी कस्टमर, इसकी मेरे को बेबी कटिंग करवानी है। हाय करो, इधर देख, आगे का कट कर दिया है मैंने, पीछे का रह गया है, तो कर लेती हैं इसकी कटिंग। खाना पीना खा लिया था, उसके बाद मैंने भी, और मिस्टर जी तो ऑफिस चले गए थे, थोड़ा काम था उनका, और बच्चे भी आ गए हैं, आके ग्राउंड में चले गए हैं आज पतंग उड़ाने के लिए। और मैं भी कर रही थी काम, लगी थी मैं तो दिन से ही, और क्या काम करा वो मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे बना ली मैंने मूँगफली की चिक्की, और ये मूँगफली की तिल पपड़ी जमा दी है, मूँगफली के दाने और तिल के बना दिए, उसी को ये पसंद है तो ये बना दिए, और इसके लड्डू बना दिए। ये काम में लगी थी मैं, खाना खा के बहुत देर हो गई इनको बनाते बनाते, तो डिब्बे में रख भी दिए मैंने गरम गरम ही। और अब मुझे बनाना है ये परमल के लड्डू, बच्चों को ये पसंद है तो परमल की थैली यहाँ रख दी है, और ये बना लेती हूँ। अभी मैं बर्तन धुल के आई हूँ, तो मैंने सोचा ये दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद फिर करूँगी परमल के लड्डू की तैयारी। गाइस मैंने फिर से गुड़ गर्म करने के लिए रख दिया इसमें, और ये गुड़ है ना रेड कलर इसलिए हो रखा है, ये देसी गुड़ है, तो ये देसी गुड़ का कलर ऐसे ही रहता है। और इसमें परमल डाल दिए मैंने और बचा रखे अभी, और बच्चे क्या परमल के लड्डू पसंद करते हैं, तो इसलिए ये लड्डू बनाऊँगी अभी, और रखे और बनाऊँगी। गुड़ को होने देते हैं गर्म। तो गाइस अभी मम्मा बना रहे हैं परमल के लड्डू, अभी बन रहे हैं, अभी जितने बने थे टेस्ट लग रहे। ये करने में बेटा दिन भर तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था बहुत लफड़ा लगता है इसमें, तो हाथ ऐसे हो गए रेड रेड मेरे देख। तो गाइस सारा काम करके अभी बैठी हूँ यहाँ पे, और अभी तो शाम का खाना बाकी है, बच्चे भी आ गए हैं, वो खाने पीने में लगे हैं आगे रूम में, और मैं कर लेती हूँ पूजा, शाम का दिए बत्ती का टाइम हो गया है, उसके बाद मिलती हूँ फिर। गाइस ये बैठा है, तो गाइस अभी आ चुके हैं मेरे पानी बतासे अभी डैडी के साथ चौपाटी जाके पानी बतासे लेके हो गया सब। नाके पे सही मिलते हैं, करते ना मम्मी फू, ठंडी हवा आ रही है। गाइस देखो आप सब ट्राई मानो, ठंडी हवा, तुम भी खा लो, तुम क्या बैठे हो। करो फिर स्टार्ट करो, मैं भी किचन में सब्जी काट के आ गई हूँ, बना लेती हूँ खाना मैं तो। गाइस मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और खाना बनाने लग गई हूँ, सब्जी चढ़ा दी मैंने, और रोटी भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आटा लगा के रख दिया तो रोटी बना लेती हूँ। बस दिन भर यही चलता, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, ऐसे ही दिन निकल जाता है पूरा, तो बना लेती हूँ रोटी। गाइस खाना पीना हो चुका है, खाना खा के मैं आ गई हूँ पीछे रूम में, और कार्टून भी लेटा है यहाँ, थोड़ा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई तो क्या ही करता है ये, मस्ती ज़्यादा करता है, ऐसी मस्ती चलती है इसकी तो दिन भर। स्कूल से आया, खाया पिया, और पतंग उड़ाने के लिए ग्राउंड में चला गया, और अब भी आया घर, फिर उसके बाद डैडी के साथ खाया, फिर घर आके खाया क्या हलवा खाया था घर आके, और फिर चौपाटी चला गया, वहाँ से पानी पता से लिया वो खा लिया, रोटी खा ली, और क्या खाया था दिन में, खीर भी खाई थी, और मंगोड़े भी खाए घर आके, बस वही चलता रहा दिन भर इसका, पढ़ाई वढ़ाई तो क्या ही करता है ये बस। अभी भी मैंने इसको, मैं खाना बना रही थी पढ़ाई करने के लिए बिठाया थोड़ी देर ही, क्या पता नहीं करी क्या नहीं करी है, तो मैंने भी। और बाकी हमारे आज यहाँ पे जो भी तिल के लड्डू वगैरह बनते हैं वही मैंने दिन में बनाए, ब्लॉग में भी दिखाया आप लोगों को। और हमारे उत्तराखंड में तो आज गंगा जी स्नान करने के लिए निकल जाते हैं बागेश्वर में, बागेश्वर में बहुत बड़ा मेला लगता है, उत्तरायणी का मेला बोलते हैं, हम लोग भी पहले बहुत जाते थे, और कल माघ का महीना स्टार्ट होएगा संक्रांति से, तो हमारे यहाँ संक्रांति से स्टार्ट होता है महीना, तो वहाँ पे स्नान करके आते हैं माघ के महीने का फर्स्ट दिन ही, बाकी वहाँ पे फिर बनाते हैं। कल के दिन हमारे यहाँ त्यौहार बहुत बड़ा मनाया जाता है, और
घुघुती बनते हैं वहाँ पे, वो मैं कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी आपको। ये सारी चीज़ें वहाँ की जो भी बनती मैं भी बना लेती हूँ अपने बच्चों के लिए, फिर उसके माला वाला बना के इनको पहनाएंगे बच्चों को और सूर्य भगवान जी को। कल तो संडे भी है और मम्मा मेरे लिए स्पेशल वो सूरज बनाती है। हाँ तो फिर ये पूजा करेंगे, कुछ इस तरीके के रहता है। बाकी वो कल संक्रांत के दिन बताएंगे आपको अगले वाले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जल्दी।